दिल्ली मुंबई गुजरात के लोग जैसे लोग नहीं है जहां बोरा भर भर करके लोग पैसा रखते हैं। इन लोग का तो ये खेत खलिहान मजदूरी यही उसका बैंक और खाता है। इस राज में हमने एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दिया। 30,000 से अधिक बच्चों को हम लोगों ने विभिन्न संस्थाओं में रोजगार दिलाने का काम किया है। आज के इस कार्यक्रम को छोड़कर सरकार अपने प्रयास से, आपको मालूम होगा कि सरकार ने कानून बनाया है कि इस राज्य में कोई भी संस्था काम करेगा, गैर सरकारी संस्था, उसमें 75% स्थानीय लोगों को रखना होगा। उसके तहत हम लोग ये कैंप लगा लगा कर बच्चों को, लोगों को रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं। आज यहां इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग आप सब लोगों को 5,000 से अधिक युवाओं को किसी न किसी रोजगार से जोड़ा जा रहा है। और हर सरकार की ये प्राथमिकता भी होनी चाहिए और कई सरकारों की प्राथमिकता होती भी है। सरकार राज्य का हो या देश का हो, सरकार सड़क पुल पुलिया पीने का पानी खेती के लिए पानी कई आधारभूत संरचनाओं के लिए तो काम करती ही है। राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे जुटे इस पर भी काम करती है। किसानों की आय कैसे वृद्धि हो उसके लिए भी काम करती है। बूढ़े के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, यहां तक कि मां के कोख में पल रहे बच्चे के बारे में भी सरकार चिंता करती है। उसी प्रकार नौजवान को कैसे सही दिशा दिखाई जाए, कैसे उसको एक बेहतर जीवन जीने के लिए उसका मार्ग प्रशस्त करे, ये भी सरकार काम करती है। और कई लोग इतने काबिल भी होते हैं जो खुद से रोजगार भी खोज लेते हैं, खुद से नौकरी भी पा लेते हैं, खुद से स्वरोजगार भी कर लेते हैं और अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं। लेकिन इसमें सरकार एक अहम कड़ी के रूप में खड़ी रहती है कि सरकार किस तरीके से लोगों को विभिन्न आयामों से जोड़ती है। आज का ये रोजगार मेला पहला नहीं है हम लोगों का। हम लोगों ने अनेकों रोजगार मेला लगाए और आपको जानकर खुशी होगी, श्रम विभाग के तरफ से सिर्फ 30,000 से अधिक बच्चों को हम लोगों ने विभिन्न संस्थाओं में रोजगार दिलाने का काम किया है। आज के इस कार्यक्रम को छोड़कर
आज के यहां जो बच्चे प्राप्त करेंगे नियुक्ति पत्र, इससे पहले हम लोगों ने 33,000 के लगभग या उससे अधिक बच्चों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ दिया। ये विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के जगहों पर लोगों को भेजने का एक हम लोगों ने मुहिम बना रखी है। बहुत सारे लोग आसपास में कई संस्थाएं होने के बावजूद लोगों को काम नहीं मिलता है, तो सरकार अपने प्रयास से, आपको मालूम होगा कि सरकार ने कानून बनाया है कि इस राज्य में कोई भी संस्था काम करेगा, गैर सरकारी संस्था, उसमें 75% स्थानीय लोगों को रखना होगा। उसके तहत हम लोग ये कैंप लगा लगा कर बच्चों को, लोगों को रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं। सरकार की नियुक्तियां तो अलग निकल ही रही हैं, आज हमारे सरकार को कई चुनौतियों से गुजरना पड़ा है। कोरोना जैसा महामारी हम लोगों ने देखा, सुखाड़ की स्थिति हमने देखी और राज्य में लोगों को भूखा मरते भी देखा था, लेकिन सरकार बनने के बाद आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की सहनशीलता से, इतने विपत्ति आने के बावजूद भी इस राज्य में हमने एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दिया। नहीं तो पूर्व के सरकारों की स्थिति ऐसी रही है कि लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा है। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों लोग मर गए थे। ऐसा स्थिति, और इस राज्य को तो बेरोजगारों का राज बना करके रखा हुआ था। ये तो कोरोना जैसा महामारी आया तब हमें ये पता चला कि इस राज्य से कितने बड़े पैमाने पर यहां के नौजवान दूसरे राज्यों में पलायन करने चले जाते हैं। नौजवान जाता है, किसान जाता है, महिला जाती है, पुरुष जाते हैं, सभी लोग जा रहे हैं। कोरोना काल एक तरीके से हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती भी था, लेकिन इस राज्य के लिए, हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा सीख भी रहा है। जब हम इस कोरोना के पीरियड में हमारे जो मजदूर अलग अलग राज्य में फंसे हुए थे, वहां से हम हवाई जहाज से ढो ढो करके ला करके गांव में भेजने का काम कर रहे थे। उसी दिन से हमने ये तय किया कि किस तरीके से राज्य के अंदर ही लोगों को रोजगार अधिक से अधिक उपलब्ध हो। दूसरे राज्यों में जाने का मना ही नहीं है, अगर अच्छा काम मिलता है तो दूसरे राज्य में लोगों को जाना चाहिए। अधिक पैसा मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी रोजगार मिलती है, तो लोग और मनुष्य का प्रवृत्ति भी है, लोग चलता रहता है और उससे अर्थव्यवस्था भी चलता है। लेकिन हमारे इस राज्य के लोग मजबूरन वश, कई लोग जाने के लिए मजबूर हो, ये ठीक नहीं है। और कुछ तो षड्यंत्र रच करके लोगों को काम से अलग किया जाता है। अभी मैं दुमका से आ रहा हूं। कल दुमका में भी ऐसे भव्य कार्यक्रम, लेकिन चलते चलते हम सोचते रहते हैं कि यहां के लोगों को कैसे हम काम दें। ठीक है, दिल्ली मुंबई में जाकर के 500 रुपया दिहाड़ी में काम करेगा, और वो भी दिल्ली मुंबई में, अगर यहीं पर आकर के 250-300 रुपये में काम मिल जाए तो क्या दिक्कत है।
लेकिन वो 250-300 रुपया भी उसको कैसे समय पर मिले, इसकी व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। और यही वजह है कि राज्य के अंदर चल रहे कार्यों में लोग थोड़ा रुचि कम लेते हैं। लेकिन इस व्यवस्था को हम बदलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आज राज्य में मनरेगा का कार्य हो, प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम हो, चाहे और कोई योजना हो, जो केंद्र अपने हिस्से का पैसा देता नहीं है और हमारे मजदूर भाइयों को समय पर पैसा नहीं मिलता, चाहे वो कुआं खोदने का काम हो, चाहे वो मिट्टी काटने का काम हो, चाहे कोई आवास बनाने का काम हो, कई ऐसी योजनाएं, अगर ये पैसा भी रोज उसको मिल जाए, मजदूर बेचारा वो स्थिति का होता है, अगर वो एक दिन मजदूरी नहीं उसको मिलेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है। इस राज्य के लोगों का बैंकों में भरा हुआ पैसा नहीं है। यहां दिल्ली, मुंबई, गुजरात के लोग जैसे लोग नहीं है, जहां बोरा भर भर करके लोग पैसा रखते हैं। इन लोग का तो ये खेत खलिहान मजदूरी यही उसका बैंक और खाता है। और यही वजह है आज इस राज्य की गरीबी की वजह से हमने इस देश का ये पहला राज्य बनाया जहां हम इस राज्य के सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करते हैं, सभी विधवा महिला को पेंशन देने का काम करते हैं, सभी विकलांग को और एकल महिलाओं को पेंशन देने का काम करते हैं। कम से कम बेचारा एक उसका बुढ़ापे का लाठी तो उसके हाथ में रहे। इसके साथ साथ जिस तरीके से आज हमारे क्या कहेंगे, पूरे दुनिया में आजकल नया नया आफत, नया नया समस्याएं खड़ी हो रही है, जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है, ठंड के दिन में बारिश, बारिश के दिन में गर्मी, गर्मी के दिन में ठंड, बड़ा उल्टा पुल्टा समय, समय पर बारिश नहीं तो खेती बाड़ी भी खत्म,